dear students, assalamu alaikum. we have already completed most of our parts in inventory management within quickbooks. today we are going to see how to handle a very main issue which comes with stock and inventory. that is loss in inventory. this can happen due to many reasons. Paas inventory make aur iski reason. Hai. सबसे पहली रीज़न जो आपके जहन में आएगी वो है चोरी लेकिन आम तौर पर ये रीज़न होती बहुत कम है आजकल क्योंकि हर जगह आपको जैसे पता है कि मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लगी हुई हैं जो कि चेक एंड बैलेंस रखती है इसलिए इसके इम्कान कम से कम तर होते चले जा रहे हैं सी सी टी वी कैमराज फ़िज़िकली हर जगह वे करना तो असल वजह जो इसकी होती है वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें पड़े पड़े एक्सपायर हो जाती हैं या किसी भी वजह से उनमें कोई टूट फूट हो जाती है मिसाल आप छोटी सी सीमेंट की ही ले लें जब आप किसी स्टोर में बहुत सारी सीमेंट की बोरियाँ रखेंगी तो लाम ये इम्कान है कि कोई ना कोई बोरी आपकी फट जाएगी इस फटी हुई बोरी को आप एक पूरे बैग की सूरत में आप नहीं बेच सकते और ना ही आप इसको रीपैक कर सकते हैं इसका सिर्फ तरीका ये रह जाता है कि हम इसे खुले सीमेंट के तौर पे कहीं ना कहीं बेच दें इसी तरह से भी बहुत सारी रिटेल आउटलेट में ये होता है कि उनके पास बास पुरानी इन्वेंट्री की डेट ऑफ एक्सपायरी आ जाती है जिसके बाद वो चीज़ नकारा हो जाती है और बेची नहीं जा सकती जहाँ भी ऐसा होता है वहाँ हमें इसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है और जब भी नुकसान होगा तो हमें किसी न किसी किस्म का एक्सपेंस अपने पास नोट करना पड़ेगा इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने पास पीरियडिकली कभी ना कभी यानी कि आप सेट कर लें टाइमिंग डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी इन्वेंट्री है कितनी और उसको चेक करना कितना आसान है या मुश्किल है इसको हम ऑडिट करते हैं और इस फिज़िकल ऑडिट को हमेशा कंपेयर करें अपने इन्वेंट्री से जो कि आपका सिस्टम आपको बता रहा है हो सकता है कि उसमें कमी आ जाए और हो सकता है कि उसमें इजाफा हो जाए अब आप पूछेंगे कि इजाफा कैसे हो जाएगा किसी इन्वेंट्री में इजाफ़ा इस तरह से हो जाता है कि बाज दफ़ा बहुत सारी कंपनियाँ अपने मटीरियल के साथ कुछ छोटा सा एक्स्ट्रा भी दे देती हैं बाज जब दफ़ा हमारे पास कुछ सैम्पल भी आ जाते हैं और बाज दफ़ा आपके पास किसी पुरानी चीज़ों के साथ या किसी नई चीज़ के साथ कुछ ना कुछ वो हमें उसकी सपोर्ट के लिए इजाफी इक्विपमेंट या इजाफ़ी कोई भी पार्ट्स हमें दे देते हैं लेकिन हमारे पास क्योंकि इन्वेंट्री में सिर्फ उस मेन ओरिजिनल जो भी हमारे पास इक्विपमेंट आया उसका नाम होता है तो पार्ट्स हमने नोट नहीं किए होते हैं जो कि जब आप ऑडिट करेंगे तो उसमें निकल आते हैं इस तरह की बहुत सारी वजूहत पे आपके पास चीज़ों का इजाफा भी हो जाता है दूसरी चीज़ ये है कि मौसम के एतबार से भी बात चीज़ों का वज़न बढ़ जाता है इन तमाम वजूहत की बुनियाद पर भी हमारी इन्वेंट्री का हुजम वैल्यू तो नहीं लेकिन उसकी क्वांटिटी बढ़ सकती है और जब क्वांटिटी बढ़े तो हमें यह देखना है कि हम इसकी वैल्यू री वैल्यू करें या ना करें यह आपके ऊपर है लेकिन आपको पीरियोडिक ऑडिट फिजिकल ऑडिट करवाना बहुत ज़रूरी है ये हर कंपनी का अपना अकाउंट्स डिपार्टमेंट का और मार्केटिंग सेल्स का फैसला होता है कि हम ये ऑडिट कितनी दफ़ा करवाएँ लेकिन उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ डिटेल होनी चाहिए कि हमारे पास हमारी इन्वेंट्री में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ किन तादाद में पड़ी हुई हैं और एंड ऑफ द डे जब ये ऑडिट हो जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल इन्वेंट्री में और जो हमारी कंप्यूटर बेस्ड इन्वेंट्री थी उसमें कितना फ़र्क है जब हमें ये पता चल जाएगा कि फ़र्क अगर आ गया है तो क्या है तो एक तरफ तो उसका प्रोब होता है एनालिसिस होती है कि ये क्यों हुआ और दूसरी जगह उसको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि अकाउंट्स में और हर सिस्टम में हर जाति या कमी को किसी वजह के साथ रिकॉर्ड किया जाता है या लॉस हो गया है या गेन हो गया है वट एवर इज द केस इट नीड्स टू बी रिकॉर्डेड एंड इट हैज टू बी ऑथराइज किसी अथॉरिटी या मैनेजमेंट की तरफ से इसे ऑथोराइज किया जाएगा ताकि आप अपने पास इसे रिकॉर्ड कर सकें और अपने अकाउंट्स में भी शो कर सकें फ़िज़िकल ऑडिट में भी दिखा सकें और अकाउंटिंग ऑडिट में भी इसे शो किया जा सके आइए आज के लेक्चर में हम ये देखते हैं कि हम इस फिज़िकल ऑडिट में हेल्प करने के लिए किस तरीके से एक फ़िज़िकल ऑडिट चेक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और अपने ऑडिटर्स को दे सकते हैं जो जाके फिज़िकल इन्वेंट्री काउंट करें स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कि हमारे पास हमारे सिस्टम में पूरी इन्वेंट्री की डिटेल मौजूद होती है और इसको वेरीफाई करने के लिए जब हम ऑडिट करना चाहेंगे तो हमें कोई ना कोई रिपोर्ट बनानी पड़ेगी तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना चाहिए रिपोर्ट्स में दूसरी चीज़ हर चीज़ क्योंकि लॉजिकली चल रही है आप ख़ुद सोचिए कि हमने किस चीज़ का ऑडिट करना है हमने ऑडिट करना है इन्वेंट्री का तो हमने इस रिपोर्ट्स में ढूंढना है कि इन्वेंट्री कहाँ मौजूद है अब इन्वेंट्री के अंदर जो हम आज करने लगे हैं वो है फिजिकल इन्वेंट्री की एक वर्कशीट बनाने वाले हैं जिसके ऊपर हम अपने फिजिकल ऑडिट की पूरी की पूरी रिपोर्ट हाथ से टैबलेट कर सकें फॉर दैट वी नीड अ प्रिंट आउट ऑफ दिस रिपोर्ट फिजिकल इन्वेंट्री वर्कशीट ये जो फिजिकल इन्वेंट्री वर्कशीट आपको नजर आ रही है इसमें आपके पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है इसको आप सबसे पहले अपनी मुनासिबत से सेट करें इसका मतलब यह है कि जो जो चीज़ें आप देखना चाहते हैं उनकी आप सही करें ताकि वो क्लियरली नज़र आए और उसको करेक्ट करने का तरीका ये है कि जिस तरह से आप एक्सेल में करते हैं आप अपना कर्सर ले जाएं और जैसे ही ये क्रॉस बने आप अपने लिहाज से इस चीज़ को सेट कर दें इसी तरह से डिस्क्रिप्शन जो हमारी पूरी नहीं आ रही हम उसको भी सेट कर सकते हैं अब हमारे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर आ गई है और हम पहले वो इन्फॉर्मेशन देख लें क्या क्या है हमारे पास तमाम आइटम्स लिस्टेड हैं अगर हमें इन आइटम्स को मजीद डिस्क्राइब करने के लिए वो डिस्क्रिप्शन दी हुई है वो भी हमें क्लियरि नज़र आ रही है तीसरे कॉलम में हमें प्रेफर्ड वेंडर्स नज़र आ रहे हैं जिनसे हम ये चीज़ें लेते हैं उसके बाद जो चौथा कॉलम है वो हमें फिज़िकल काउंट बता रहा है जो कि हमारे पास इन्वेंट्री या स्टोर में वेयर हाउस जहाँ भी हमने ये चीज़ें रखी वहाँ मौजूद होना चाहिए ये वो रिपोर्ट है जो हम निकालेंगे और जो आखिरी कॉलम आपको नज़र आ रहा है ये खाली कॉलम है इसमें आपने जाके नोट करना है एक्चुअल ऑडिटेड फाइनल फिजिकल इन्वेंट्री जो कि आपके स्टोर में वेयरहाउस में या जहाँ भी आपने गोदाम में ये चीज़ रखी हुई है वहाँ मौजूद है आम तौर पे इन्वेंट्री वाला ये काम नहीं करता क्योंकि ये इन्वेंट्री वाला खुद ही जाके अपनी चेकिंग नहीं करेगा इसके लिए हम अपना ऑडिटर भेजते हैं या किसी और डिपार्टमेंट का कोई ना कोई बंदा आता है जो कि ये फिज़िकली जाके चेक करता है हाँ लोग उसे हेल्प करते हैं चीज़ आइडेंटिफाई करने की लोकेशन आइडेंटिफाई करने की और काउंटिंग में लेकिन आम तौर पर ऑडिट का काम एक सेपरेट डिपार्टमेंट कर रहा होता है ताकि इन्वेंट्री में अगर खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ है तो वही बंदा उसे चेक री चेक ना करे ये रिपोर्ट जब आप प्रिंट कर लेंगे तो आपने इस फिज़िकल काउंट की जगह इस करेक्टेड इन्वेंट्री को नोट करते चले आना है और जब आप ये नोट कर लेंगे तो हम फिर इसको अपने सिस्टम में री एवेलुएट करने के लिए डाल देंगे लेकिन फॉर द टाइम बींग वट आई वॉन्ट टू शो यू इज़ कि हमारे पास आइटम मौजूद है उसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है प्रीफर्ड वेंडर मौजूद है ये वो काउंट है जो हमारे सिस्टम में यानी कि क्विक बुक्स में इन्वेंट्री के अगेंस्ट मौजूद है अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि प्रिफर्ड वेंडर की इस लिस्ट में अगर आपको जरूरत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए तो हम इसको यहाँ से निकाल दें निकालने का तरीका ये है कि आप कस्टमाइज रिपोर्ट में जाएँ और प्रेफर्ड वेंडर ढूंढें और उसके अगेंस्ट जो टिक मार्क लगा हुआ है उसको निकाल दें ओके करेंगे तो वहाँ से वो चला जाएगा दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने इसे किसी तरह शॉर्ट करना है तो आप वो भी बता सकते हैं कि आप नेम वाइज इसे शॉर्ट करना चाह रहे हैं कि ए वाले आइटम्स ऊपर आएँ और इसी तरह से इसकी शॉर्टिंग हो जाए जब आपने ये दोनों चीज़ें चेक कर लें तो आप इसे ओके करें और ऑटोमेटिकली आपकी वर्कशीट सेट हो गई है इसमें आपकी तमाम चीज़ें एल्फेबेटिकली सॉर्टेड हैं अब आपने इसको सिर्फ प्रिंट करना है और अपने ऑडिटर को देना है ताकि वो इसकी फिज़िकल इन्वेंट्री लेकर आए और आप अपने पास सिस्टम में इसको अपडेट कर सकें सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट अ फिज़िकल इन्वेंट्री वर्कशीट इन क्विक बुक्स फॉर योर फिजिकल ऑडिट विच इज़ एब्सोलुटली नेसेसरी इन ऑल कंपनीज सो दैट वी नो एग्जैक्टली हाउ आर इन्वेंट्री इन स्टॉक इज़ इन पोजिशन ऐट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी कट ऑफ टाइम हो सकता है ये फैसला आपकी कंपनी आपका बिजनेस देखते हुए करेगी आज हमने देखा कि हम फिज़िकल इन्वेंट्री को सपोर्ट करने के लिए किस तरह से एक ऑडिट वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं याद रहे कि सिस्टम होना बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें आप हर चीज़ रिकॉर्ड तो कर रहे हैं लेकिन काम असल में फिजिकली बाहर हो रहा होता है और उसको भी हमें हमेशा ऑडिट करना और उसे चेक करना हमारा ही काम है अगर आप समझ रहे हैं कि आपके सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन है वही बिल्कुल अपडेटेड और बिल्कुल सही है तो ये पॉसिबल बज दफ़ा नहीं होता रियल वर्ल्ड में भी यही हो रहा होता है कि सिस्टम क्योंकि बड़े सही तरीके से एक टीम चला रही होती है तो वो ये समझ रही होती है कि मैं हर चीज़ सही मेंटेन कर रहा हूँ फिज़िकल दुनिया में बहुत सारे हादसा बहुत सारी रीज़न से जो आपकी इन्वेंट्री और स्टॉक की पोजीशन है वो फिज़िकल स्टॉक की पोजीशन से डिफर कर सकती है इस डिफ़रेंस को कवर करने के लिए हमें एक फ़िज़िकल ऑडिट करना ज़रूरी है पीरियड इसका डिपेंड करता है आपके बिजनेस की नोयत पे हो सकता है आप ये वीकली करवा सकते हो मंथली करवाते हो क्वार्टरली करवाते हो या एनुअली करवाते हो दिस इज़ इंटरली अप टू योर मैनेजमेंट लेकिन करवाना ज़रूरी है और ये स्टेचरी रिक्वायरमेंट भी है जब भी आप करवाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ों का इल्म होगा पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि क्या कोई चीज़ हमारी ज़ाया हो गई है नुकसान हो गया है हुआ है तो उसकी रेक्टिफिकेशन करना ये सारी चीज़ें फिज़िकल दुनिया में हो रही होती हैं लेकिन हमें सपोर्ट जो करता है वह हमारा system support karta. So I hope you understand how to go about doing physical audit with support of QuickBooks. Thank you.